नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 जून, दिन मंगलवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 जुलाई से लागू होगा नया आपराधिक कानून, बिहार पुलिस को दिया जा रहा प्रशिक्षण। शिक्षा विभाग ने 15 जून तक स्कूल बंद करने के दिए आदेश। बिहार के कई जिलों में रक्षा भूमि का होगा सर्वे। बिहार के जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। फोन पानी में गिर जाए या भींग जाए तो घबराए नहीं, करेगी काम। जसप्रीत बुमराह के इरफान पठान ने की तारीफ। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। BHEL ने 170 पदों पर निकाली भर्ती, 10वीं पास करी आवेदन। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL में 170 पदों पर भर्ती आई है। इस भर्ती के माध्यम से इंजीनियरिंग, निर्माण, सर्विसिंग, विनिर्माण, डिजाइन और अन्य क्षेत्रों में बहाली की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट hwr.bhel.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जून है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने 10वीं पास करने के साथ ही ITI का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। 1 जुलाई से लागू होगा नया आपराधिक कानून, बिहार पुलिस को दिया जा रहा प्रशिक्षण। राष्ट्रपति मुर्मू ने नया आपराधिक कानून को अपनी मंजूरी दे दी है। अब नया आपराधिक कानून पूरे देश में 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। कानून के लागू होने से पहले राजधानी पटना के ज्ञान भवन में पुलिस कर्मियों को बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 3 दिवसीय होगा, जिसका शुभारंभ सोमवार से शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण में करीब 25,000 पुलिस कर्मी भाग ले रहे हैं। बिहार के थाना प्रभारी डिजिटल तरीके से इस प्रशिक्षण से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी केस के आईयू को आईफोन के साथ लैपटॉप भी देने की तैयारी है। साथ ही अब पुलिस ऑनलाइन तरीके से ही कोर्ट से वारंट और कुर्की जब्ती वारंट प्राप्त कर सकेगी। बिहार के कई जिलों में रक्षा भूमि का होगा सर्वे। रक्षा भूमि के सर्वे के लिए तीसरे चरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके तहत जिन भी जिलों में रक्षा भूमि है उसका सर्वे कर सीमांकन किया जाएगा व नए राजस्व मानचित्र भी बनाए जाने की तैयारी है। बिहार में ये कार्य दरभंगा और दानापुर में पूरा किया जा चुका है, लेकिन अन्य जिलों में ये काम होना बाकी है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संज्ञान लिया गया है और सभी जिलों में सर्वे कार्य किए जाने की बात कही गई है, जिससे भूमि का रकबा पता किया जा सकेगा। रक्षा भूमि पर तो कई जिलों में अतिक्रमण किए जाने की खबर भी सामने आई है, लेकिन सर्वे और सीमांकन से स्थिति साफ हो जाएगी। सरकार नई लिफ्ट नीति बनाने की कर रही तैयारी। आपने प्रदेश में कई सार्वजनिक स्थल, बड़े बिल्डिंग, होटल, शॉपिंग मॉल और बड़े अपार्टमेंट व अस्पताल आदि जगहों पर लिफ्ट और एस्केलेटर देखा होगा, लेकिन अब लिफ्ट या एस्केलेटर लगवाना आसान नहीं रहेगा। इसे लगवाने के लिए अब सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऊर्जा विभाग द्वारा इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अनुमति लेने के दौरान लिफ्ट और एस्केलेटर की क्वालिटी, इसकी क्षमता, बिजली कनेक्शन आदि की जांच इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा की जाएगी। जांच में जब सभी मानक सही पाए जाएंगे तभी लिफ्ट या एस्केलेटर लगाने की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने नई लिफ्ट नीति बनाने का फैसला लिया है ताकि लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। फिलहाल विधि विभाग से इसे अनुमति मिल चुकी है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखे जाने की तैयारी है। कैबिनेट से पास होने के बाद इसे मॉनसून सत्र में रखा जाएगा। यहां से पास होने के बाद ये कानून का रूप लेगा, फिर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। फोन पानी में गिर जाए या भींग जाए तो घबराए नहीं, करे ये काम। आज के समय में स्मार्टफोन हमारे लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक बन चुका है। ऐसे में यदि कभी फोन पानी में भींग जाए या गिर जाए तो हम डर जाते हैं कि कहीं हमारा फोन अब काम ना करे। ऐसे में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है या भविष्य में कभी ऐसा हुआ तो बस कुछ टिप्स की मदद से आप अपने फोन को खराब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे फोन में बहुत सारे निजी और अन्य जरूरी दस्तावेज मौजूद होते हैं, इसलिए इसे बचाना भी जरूरी है। यदि आपका फोन पानी में गिरे तो सबसे पहले उसे जितनी जल्दी हो पानी से निकालें। भींगे हुए फोन का बटन कभी ना दबाएं, इससे आपके फोन का मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। मोबाइल को किसी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ दें, फिर इसे चावल के डिब्बे में रख दें। चावल के डिब्बे में फोन को कम से कम 24 से 36 घंटे तक रखें। चावल में नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है और इस तरह से आप अपने फोन को बचा सकते हैं। ध्यान रखें कि यदि आपका फोन लंबे समय तक पानी में रह गया है तो इसे दोबारा ठीक करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फोन के हर एक पार्ट्स में पानी घुस चुका होता है।
अब तारा मंडल में दर्शकों को मंगल ग्रह की करवाई जाएगी सैर। आज यानी मंगलवार से तारा मंडल में वर्चुअल रियलिटी शो शुरू होने वाला है। इस रियलिटी शो में आने वाले दर्शकों को मंगल ग्रह की सैर करवाई जाएगी। ये शो केवल 7 मिनट का ही होगा, जिसे एक साथ 2 लोग ही देख पाएंगे। इस शो का संचालन पहले और पहले पाव के आधार पर किया जाएगा। हर दिन इस शो के लिए बुकिंग की व्यवस्था की गई है। इस शो के लिए आपको 20 रुपए का टिकट लेना होगा। इस शो का प्रदर्शन सुबह 11:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक अधिकतम 20 लोगों और दोपहर 2:30 बजे से 6:30 बजे तक अधिकतम 40 लोगों को दिखाने की तैयारी है। वाणिज्य कर विभाग ने GST वसूली के लिए अभियान किए तेज। बिहार वाणिज्य कर विभाग एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत रियल एस्टेट और दूसरे सेवा क्षेत्र से GST की वसूली की जा सके। आपको बता दें कि मई में अप्रैल के मुकाबले GST की कम वसूली हुई है। GST की कम वसूली को देखते हुए विभाग ने अपने स्तर पर पहल को तेज कर दिया है, ताकि राजस्व की उगाही के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। GST में वसूली धीमा पड़ने का एक कारण नए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान लोकसभा चुनाव में अधिकारियों की व्यस्तता का होना है। अब चुनाव खत्म होने के बाद करदाताओं को नए सिरे से चिन्हित करने की तैयारी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद यादव के बारे में। लालू प्रसाद यादव का जन्म आज के दिन वर्ष 1948 में बिहार के गोपालगंज में हुआ था। ये एक राजनीतिज्ञ हैं और रेल मंत्री व बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में ये राजद के अध्यक्ष हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लालू प्रसाद यादव की छवि एक हास्य नेता के रूप में नहीं है। इनके बिहारी उच्चारण और इनके अनोखे अंदाज हर किसी को पसंद आते हैं। आज भी इंटरनेट और टीवी पर लालू यादव के लतीफों का ट्रेंड देखने को मिलता है। इनका शुरुआती जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन छात्र राजनीति से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और इन्हें सफलता भी मिली। आज इनके 77वें जन्मदिन के तहत राजद कार्यालय को पूरे लाइट से सजाया गया है। आज राजद कार्यकर्ता जिला व प्रखंड स्तर पर भी लालू यादव का जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पटना की सड़कों पर कई जगह पोस्टर भी देखने को मिला, जिसमें लिखा गया कि सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के पुरोधा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को 77वां जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हम सभी आपके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अटका विश्वविद्यालय फंड, फिर से होगी बैठक। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के बकाया वेतन और पेंशन को पटना हाईकोर्ट ने 10 दिनों के अंदर भुगतान करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। के पाठक अभी छुट्टियों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ 12 जून को राजभवन और शिक्षा विभाग ने कुलपतियों की बैठक बुलाई है। इसमें पहली बैठक सुबह 11 बजे से होगी, तो वहीं दूसरी बैठक दोपहर के 3 बजे से होगी। इस दौरान बैठक में विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के अटके हुए वेतन और पेंशन पर चर्चा की जाएगी। फर्जी तरीकों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले हो जाएं सावधान। देश में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिससे उनकी जरूरतों का ख्याल रखा जा सके। ये योजनाएं महिलाओं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक के लिए होते हैं, लेकिन कई अपात्र लोग भी इस योजना के योग्य नहीं होते। वे भी फर्जी तरीके से इन योजनाओं का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। इन योजनाओं का लाभ वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में आपसे वसूली भी की जा सकती है। वहीं बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में जेल भी आपको भेजा जा सकता है। शिक्षा विभाग ने 15 जून तक स्कूल बंद करने के दिए आदेश। बिहार में दिनों भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। अधिक गर्मी के कारण प्रदेश के कई जिलों से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर भी सामने आई। आज प्रदेश में अधिक गर्मी के कारण रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। अधिक गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ता देख शिक्षा विभाग द्वारा 15 जून तक स्कूल बंद किए जाने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के अधिकतर जिलों में 10 से 14 जून तक हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने 15 जून तक स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। पटना में गंगा किनारे जेट बोट राइड का अब ले सकेंगे मजा। पटना में गंगा किनारे जेट बोट राइड शुरू किया गया है। इसकी जानकारी IPRD बिहार ने साझा की है। यदि आप भी इस राइड का मजा लेना चाहते हैं, तो आपको पर्यटन घाट मरीन ड्राइव आना होगा।
यहाँ पर आप मोटर बोट, जेट अटैक, सोफा राइड और बनाना राइड का मजा ले सकेंगे। यदि आप 5 लोगों के ग्रुप के साथ आते हैं तो प्रति व्यक्ति 2.6 किलोमीटर राइड के लिए आपको 200 रुपए देने होंगे। वहीं यदि आप अकेले आते हैं तो आपको इसके लिए 250 रुपए देने होंगे। इसके अलावा जेट अटैक के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए 2.6 किलोमीटर की राइड के लिए देने होंगे। सोफे राइड के लिए आपको 500 रुपए प्रति व्यक्ति देने होंगे। वहीं बनाना राइड के लिए आपको प्रति व्यक्ति 300 रुपए देने होंगे। कराटे में भारत के लिए गोल्ड लाने वाले जाबीर को बिहार सरकार ने किया सम्मानित। बिहार सरकार द्वारा जमुई जिले के प्रतिभावान कराटे खिलाड़ी जाबीर को सम्मानित किया गया है। जाबीर को इस दौरान बिहार प्रतिभा सम्मान पुरस्कार दिया गया। जाबीर को प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किए जाने से उनके परिवार और जिला वासियों में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि जाबीर ने न केवल राज्य बल्कि देश का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के दौरान 6 देशों को हराए हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जाबीर ने पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल को मात देकर आगे निकले थे। नवादा जिले में प्रभारी प्रधानाध्यापक को शिक्षा विभाग का फैसला मानना पड़ा भारी। नवादा जिले के निमदारगंज थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पंचगावा में प्रभारी प्रधानाध्यापक निरंजन कुमारी को केके पाठक का आदेश मानना ही भारी पड़ गया। दरअसल केके पाठक का आदेश मानने पर निरंजन कुमारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। उसके बाद उन्होंने इस मामले की थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। निरंजन कुमारी ने प्राथमिकी में बताया है कि कुछ लोग अचानक से कार्यालय में आकर गाली गलौज करने लगे, फिर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया और लाठी डंडे से भी मारा गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के आदेश पर उन्होंने पंचगामा गांव में लगभग 70 बच्चों का नामांकन स्कूल नहीं आने पर काट दिया था, जिस वजह से उनके साथ ये किया गया है। बिहार के इन जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी। दक्षिण बिहार में पड़ रहे प्रचंड गर्मी को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने चेतावनी जारी की है। दरअसल अगले 1 से 2 दिनों तक बांका, नालंदा, शेखपुरा सहित कई जिलों में भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। प्रतिबंधित महादेव गेमिंग ऐप से साइबर फ्रॉड करने वालों का बिहार पुलिस ने किया भंडाफोड़। भारत में महादेव गेमिंग ऐप प्रतिबंधित है, फिर भी इसके जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस खुलासे के साथ ही 12 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये साइबर अपराधी यूपी और बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंकों के एटीएम कार्ड व पासबुक बरामद हुए हैं। इस मामले पर गोपालगंज पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने नगर थाना में मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि थाना नगर थाना क्षेत्र के भितभेरवा गाँव में विक्की गुप्ता के मकान में साइबर अपराधियों के द्वारा प्रतिबंधित महादेव ऐप से साइबर फ्रॉड का सेंटर चलाया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बेघर व सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा देने की कर रही तैयारी। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए शपथ लेते ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है। अब इसी कड़ी में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। दरअसल जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रजिस्टर्ड सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में देने की बात सामने आई है। 8.7 मिलियन सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही गांवों और शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने के फैसले पर भी मुहर लगाया जा चुका है। इन घरों में शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, नल कनेक्शन भी दिया जाएगा। इस मामले में राजद ने एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले वीरन यादव को किया निष्कासित। राजद पार्टी से एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले नेता वीरन यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। वीरन यादव पर कार्रवाई करते हुए इन्हें पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से तेजस्वी यादव ने 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वीरन यादव पूर्व प्रत्याशी बिहार विधान परिषद जिला नालंदा को दल के नीतियों के खिलाफ अवैध बालू खनन व पुलिस पर गोली चलाने के कारण दल के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।
प्रियंका गांधी से मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए पप्पू यादव ने कही ये बात। बीते दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मिलने पहुंचे। पप्पू यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल पहले से और भी तेज हो चुकी है। इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए पप्पू यादव ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के उपरांत आज ओजस्वी वक्ता प्रखर नेत्री सह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी से आत्मीय मुलाकात हुई। आगे उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी से देश और बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा हुई। एक ही विकल्प है, इस बार 100 पार, अगली बार कांग्रेस बहुमत पार बनाना है, इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार, वंचितों गरीबों के नायक राहुल जी बनेंगे पीएम। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पप्पू यादव को जीत के लिए बधाई दी है। बिहार से मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए इन 4 सांसदों को मिला ये विभाग। बिहार से ललन सिंह, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और गिरिराज सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है। इसमें ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य और पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और चिराग पासवान को खेल एवं युवा मंत्रालय। तो वहीं चिराग पासवान को खेल एवं युवा विभाग, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय सौंपा गया है। जसप्रीत बुमराह के इरफान पठान ने की तारीफ। T20 विश्व कप 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के मुकाबले में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारत के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। इस मुकाबले में बुमराह ने 4 ओवर में अपनी बेहतर गेंदबाजी से मात्र 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिससे भारत ने 6 रनों से जीत हासिल की है। अब बुमराह के इस गेंदबाजी को देखते हुए इरफान पठान ने भी उनकी जमकर तारीफ की है। स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कमेंट्री बॉक्स में जसप्रीत बुमराह के आखिरी 2 ओवर फेंकने से पहले कहा था कि वो भारतीय बैंक है, वो बहुत सुरक्षित है। आप जसप्रीत बुमराह को वर्तमान समय में वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर मानते हैं या नहीं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताए। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इससे पहले ये आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। आज के दिन वर्ष 2008 में ब्रह्मोस सुपर सैनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। आज के दिन वर्ष 1897 में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था, ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन वर्ष 1989 में भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1948 में भारतीय राजनीतिज्ञ और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे पीएम मोदी द्वारा 3 महीने के दिए जा रहे मोबाइल रिचार्ज के बारे में। इन दिनों व्हाट्सएप पर एक मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय उपभोक्ताओं को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री या भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। ये खबर पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड हो रहे इस तरह के मैसेज से बचने की कोशिश करें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। जाने कैसे व्हाट्सएप के जरिए डिजी लॉकर का उठा सकते हैं फायदा। आज के समय में व्हाट्सएप ने हमारे कई कामों को पहले से काफी आसान कर दिया है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिजी लॉकर का इस्तेमाल किसी तरह के सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज जैसे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, RC आदि डाउनलोड करने में किया होगा। अब आप इस सुविधा का लाभ व्हाट्सएप से भी उठा सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए आपको अपने व्हाट्सएप पर माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क को ऐड करना होगा। इसे ऐड करने के लिए आपको 9013151515 नंबर को सेव करना होगा। इस नंबर को अपने फोन में सेव करते ही आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हाई भेजना होगा। ऐसा करने के बाद आपके पास कोविन और डिजी लॉकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप डिजी लॉकर के विकल्प का चयन करेंगे, फिर व्हाट्सएप के जरिए डिजी लॉकर का फायदा उठा सकेंगे। इसरो के आदित्य L1 में सौर प्रकोप हुआ कैद। अभी हाल में ही सौर प्रकोप को इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के 2 ऑनबोर्ड रिमोट सेंसिंग उपकरण ने कैमरे में कैद किया है। सोमवार को अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि L1 पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से ये लगातार सूर्य को देखने में सक्षम होता है। इसरो ने एक बयान में बताया है कि सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप और विजिबल एमिसन लाइन कोरोनाग्राफ ने मई 2024 के दौरान सूर्य की गतिशील गतिविधियों को कैद किया है।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, प्यार स्पेशल, विज्ञान, कंटेम्पररी और बुकों से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 7 जून, ऑप्शन सी है 6 जून, ऑप्शन डी है 8 जून। इसका सही उत्तर है 7 जून। हाल ही में किसने आईएसएसएफ म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए है गौरी शंकर, ऑप्शन बी अमित कुमार, ऑप्शन सी है सरबजीत ऑप्शन सी है सरबजोत सिंह, ऑप्शन डी है सान्या मेहता। इसका सही उत्तर है सरबजोत सिंह। हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका सही उत्तर है जापान। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभ देव, ऑप्शन सी है महावीर, ऑप्शन डी है आदित्यनाथ। इसका सही उत्तर है ऋषभ देव। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन दो जगहों से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर बांका, ऑप्शन सी है चंपारण सारण, ऑप्शन डी है वैशाली समस्तीपुर। इसका सही उत्तर है चंपारण सारण। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, नंद कुमार सिंह, उमेश ऋषिदेव, आरव पटेल, राजकिशोर महतो, अनुपम कुमार, अमृतव कुमार, त्रिलोकी नाथ सिंह, अनवर करीम खान, बिरजू कुमार, विकास कुमार, भरत प्रसाद, गुनर शर्मा, अंशु कुमारी, नौसाद रजा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, नेभा कुमारी, अनिल पासवान। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की रात का सवाल है, बिहार के आम की कौन सी किस्म आपको पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।